आज अपन पढ़ेंगे औरतों का फोर्थ टॉपिक स्प्लीन ट्रैक्शन एंड प्रोस्थेसिस। तो अपन पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्प्लीन्स क्या होती है। तो स्प्लीन्स अपन ने पहले वाले लेक्चर में भी देखा था कि जो अपन फ्रैक्चर का जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके अंदर तीन फेज होती है, फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री। तो फेज वन में अपन करते हैं इमरजेंसी केयर। तो इमरजेंसी केयर अपन किस जगह पे करते हैं, जिस साइड पर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर अपन कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कोई लकड़ी का एक टुकड़ा हो गया, या फिर अम्ब्रेला, या फिर अपने न्यूज़पेपर को फोल्ड करके जिस पार्ट पे फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर उसको अप्लाई कर दे, ताकि उस फ्रैक्चर को सपोर्ट मिल सके और वो ज़्यादा पेनफुल ना हो वो कंडीशन पेशेंट के लिए। तो स्प्लिंट्स का मतलब क्या होता है, यूज्ड फॉर इमोबिलाइजेशन फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करने के लिए स्प्लिंट्स का यूज़ करता है। इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पार्ट, जिस पार्ट पे चोट लगी है, जो पार्ट इंजर्ड हुआ है वो ज़्यादा मूव ना कर पाए और अपन उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और ज़्यादा मूव ना करे, वो वाली कंडीशन। उसके बाद आता है आइदर आइदर ही टेम्पोरली ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और फॉर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, ताकि वो ट्रांसपोर्ट में ईजी बन सके। और ये अपन यूज़ करते हैं टेम्पोरली टाइम के लिए। तो ट्रांसपोर्ट अपन क्यों करेंगे, क्योंकि मान लो किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया तो अपन को उसको ले उसको हॉस्पिटल तो लेके जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे तो उसका अपन कुछ उसका फ्रैक्चर तो हो गया ना, मतलब तो अपन उसको स्प्लिंट्स प्रोवाइड करवा देंगे कुछ देर के लिए। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलेगा हॉस्पिटल के अंदर। और फॉर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अपन ने देखा था, इसका जो सेकेंड फेज था ट्रीटमेंट का, उसका सेकेंड फेज था डेफिनेटिव केयर। इसके अंदर अपन रिडक्शन, मोबिलाइजेशन ये सब करते हैं। अब उसके बाद आते हैं स्प्लिंट्स के टैप्स। तो वैसे तो स्प्लिंट्स के काफ़ी सारे टैप्स होते हैं, लेकिन मेनली तीन यूज़ किए जाते हैं, क्रेम्पर वाई स्प्लिंट, थ्रोम्बस नी बेंट स्प्लिंट एंड बोल्डन बोन स्प्लिंट। और सेकंड वाले को अपन कहते हैं थ्रोम्बस स्प्लिंट भी कहते हैं। तो अपन इन तीन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला आता है क्रेम्पर वाई स्प्लिंट। तो इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू थिक पैरेलल वायर। यहाँ पे दो पैरेलल वायर होती है विथ इंटरैक्टिंग वायर, जो कि वायर से बनी हुई होती है। तो अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो पैरेलल वायर है, उसके बीच में जो अलग से वायर्स लगे हुए हैं। तो मान लो ये कोई फ्रैक्चर है, उसको अपन यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये कोई आर्म है, अपर लिम का आर्म, उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो ये दोनों तरफ की जो पैरेलल वायर है उसको अपन उस बोनी पार्ट के ऊपर थोड़ा कवर कर देंगे, ताकि वो थोड़ा स्ट्रेट रह सके और फ्रैक्चर जिस पार्ट पे हुआ है वहाँ पे उसको पेशेंट को पेन से रिलीफ मिल सके। ये है बुक में क्रेम्पर वाया स्प्लिंट। अब अपन इसके बात करते हैं इसके यूज़ की। यूज़ फॉर टेम्पोररी स्प्लिंटेज और फ्रैक्चर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। अपन ने पहले देख लिया कि ट्रांसपोर्ट के लिए अपन इस स्प्लिंट का यूज़ करते हैं टेम्पोररी टाइम के लिए। उसके बाद सेकेंड आता है थ्रोम्बस नी बेंड स्प्लिंट। इसको अपन कॉमनली यूज़ करते हैं फ्रैक्चर की कंडीशन में। यहाँ पे लिखा हुआ है इमोबिलाइजेशन फॉर ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द नी। इस कंडीशन में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, थ्रोम्बस नी बेंड स्प्लिन को ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द नी की कंडीशन में। कॉमनली यूज इन मोबिलाइजेशन ऑफ हिप एंड थाई इंजरी। अगर किसी में थाई और हिप की कोई इंजरी हुई है तो उस कंडीशन में उसको इमोबिलाइज करने के लिए अपन थ्रोम्बस नी बेंड स्प्लिन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो ये अपन इसके पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें एक इनर बार प्रेजेंट होता है एंड आउटर बार प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कर्व प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू जो पार्ट है वो अंदर लाया जाता है। वो अपन आगे बात करेंगे, उसके बाद बोलते हैं इसको टच। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो एक दूसरे अटैच होते हैं वो होते हैं 120 डिग्री पे। तो इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, ये एक रिंग है, यहाँ पर रिंग प्रेजेंट है, जो यहाँ पे जो थाई है, थाई से ये लिम अंदर आता है, ज़्यादातर लोअर मतलब लोअर लिम के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी इनर बार प्रेजेंट है और डिस्टल एंड डब्ल्यू शेप। तो डिस्टल एंड और डब्ल्यू शेप का होता है। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है मेटल ओवर रिंग, रिंग के ऊपर मेटल है। उसके बाद 2 इंच एंगुलेशन एट आउटर बार, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसके अंदर आर्म मतलब जो लिम है उसको लाया जाता है। इसको अपन यहाँ पर बुक के थ्रू भी देख सकते हैं, वही वाली स्ट्रक्चर है जो अपन ने अभी डिस्कस की, थ्रोम्बस स्प्लिंट। तो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं इसके साइज की। द रिंग साइज इज फाउंड बाय एडिशन ऑफ 2 इंच टू द थाई
सर्कमफ्रेंसेस एट द हाइगेस्ट पॉइंट ऑफ द गोइन। तो इसमें क्या होता है, ये पार्ट, ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे थाई प्रेजेंट होती है, और अंदर जाके यहाँ पर फुट वगैरह ये सब आते हैं, नी जॉइंट वगैरह। तो इस रिंग की साइज अपन किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, किस तरह से मेजर करेंगे? जो पेशेंट की जो थाई होती है, उस थाई की साइज में 2 इंचेस अपन ऐड कर देते हैं। इस तरह से इसका मेजर होता है। एंड इसकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे? लेंथ ऑफ द थर्मल स्प्लिट इज मेजर्ड फ्रॉम द हाइगेस्ट पॉइंट ऑन द मीडियल साइड ऑफ द गोइंट अप टू द हील प्लस 6 इंच। थाई से वहाँ तक अपन इसको लेंथ को मेजर कर लेंगे, उसके बाद उसके अंदर 6 इंच ऐड कर देंगे और यहाँ पे 2 इंच ऐड कर देंगे। तो इस तरह से अपन जो पेशेंट के अकॉर्डिंग अपन थ्रोम्बस नी बेंड स्प्लिंट बनवा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अपन यूज़ किस में आता है। तो इमोबलाइजेशन ऑफ लोअर लिम, लोअर लिम को इमोबलाइज करने के लिए इस स्प्लिन का यूज़ किया जाता है। एंड सेकेंड यूज़ है थाई एंड लेग आर सपोर्ट ऑन स्लिंग्स। तो इसमें थाई और लेग को सपोर्ट करवाया जाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। अब इसके बाद थर्ड आता है बोलर बोन स्प्लिंट। तो ये इसकी स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से नज़र आती है। तो इसमें 1, 2, 3 पुलीज होती है नंबर्स की। इसको अपन बुक से देखते हैं। यहाँ पर ये बोहलर वोन स्प्लिंट है जिसके अंदर 2 से 3 ट्रेक्शंस के लिए पुलीज लगी हुई है, 1, 2 एंड 3। अब इसके अंदर बात करते हैं अपन। इट हैज़ ए नंबर ऑफ पुलीज 1, 2, 3। अपन ने बात कर लिया 1, 2, 3 यहाँ पर प्रेजेंट है, ओवर विच द ट्रेक्शन कोड पासेस थ्रू गिविंग ट्रेक्शन फॉर डिफरेंस फ्रैक्चर। तो अपन इसका यूज़ क्यों करते हैं? ताकि जो जॉइंट है या फिर जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसको ट्रेक्शन मिल सके। अपन इसको देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई करते हैं। इस कंडीशन में अपन जो पेशेंट है उसका लिम्ब रखते हैं, ये यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है इसको। ये पेशेंट का है लोअर लिम्ब। तो यहाँ पर 1 पुली यहाँ पे लगी होगी, सेकेंड यहाँ पे लगी होगी, थर्ड यहाँ पे लगी हुई होगी, इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर एक वेट अप्लाई करवाया जाता है ताकि यहाँ से ट्रेक्शन उसको मिले और यहाँ पे आ सके, और ट्रेक्शन इसको एक तरह से यहाँ से मिल रहा है। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इसको जो है ना, इसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऐसा स्ट्रक्चर है और ये काफ़ी बड़ी भी है, तो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करवाया जाता है। नॉट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें क्या होता है, थ्रोम्बस स्प्लीन्स साइन, इट हैज नो रिंग। तो इस वाली जो टेक्निक है, जो स्प्लिंट है, तो इसके अंदर कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन इसके पहले अपन जो पढ़ा था उसमें स्प्लिंट प्रेजेंट होती थी, क्योंकि जो रिंग्स होती है ना, ये एक तरह से इसका एडवांटेज हो गया। क्योंकि जो रिंग्स होती है ना, वो रिंग्स ऑफ थ्रोम्बस स्प्लिंट इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ द डिस्कम्फर्ट। क्योंकि जो रिंग है, रिंग होती है ना, वो किसी भी बोनी सरफेस, जैसे कि अपने एपिकोंडाइल्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे बोनी सरफेस अपन को ज़्यादा इजीली पता लग जाता है कि यहाँ पे बोनी सरफेस है, अगर वहाँ पे अपने स्प्लिंट देते हैं तो वहाँ से टच हो जाती है, और टच होने के बाद उस पेशेंट को वहाँ पे काफ़ी डिस्कम्फर्टेबल फील होता है, और वहाँ पे कुछ और कंडीशन होने के भी चांसेस होते हैं जो कि पेशेंट को अच्छा ना लगे। तो ये एक तरह से इसका एडवांटेज समझ सकते हैं अपन इसको। अब उसके बाद आता है कि केयर ऑफ द पेशेंट इन द स्प्लिंट। तो अपन जब पेशेंट को ये सब प्रोवाइड कराते हैं, तो अपन को क्या, किस बात का ध्यान रखना चाहिए पेशेंट के लिए, अपन उस पेशेंट की केयर कैसे कर सकते हैं? शुड बी प्रॉपरली अप्लाइड। उसको अपन जो स्प्लिंट यूज़ कर रहे हैं ना, उसको प्रॉपरली अप्लाई करना चाहिए। वेल पेलेड एट बोनी प्रोमिनेंस एंड एट द फ्रैक्चर साइड। और जो फ्रैक्चर साइड होती है और जो बोनी प्रोमिनेंस होते हैं, वहाँ पे अपन को काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि टाइट होंगे तो वहाँ पे प्रेशर सोर्स होने वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसको वुंड भी हो सकता है, उसको काफ़ी डिस्कम्फर्टेबल होगा, उसको पेन भी हो सकता है अगर काफ़ी टाइम तक अपने उसको उसको टाइट रखा तो। उसके बाद आता है बैंडेज ऑफ द स्प्लिंट नॉट बी टू टाइट। जब अपन उसको स्प्लिंट को बेंड कर रहे हैं, उस पर बांध रहे हैं, तो अपन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा टाइट ना हो। टाइट होगा तो उसको फिर डिस्कम्फर्ट होगा। इट मे प्रोवाइड सोर्स, वो उसको सोर्स प्रोवाइड कर सकता है। नॉट टू लूज, अपन को इस बात का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा लूज भी ना हो, क्योंकि लूज होगा तो उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे ना ट्रैक्शन अप्लाई होगा ना फ्रैक्चर अपनी अलाइन में आ पाएगा। और उसके बाद अपन को पेशेंट को इंक्रेज करना है एक्सरसाइज करवाने के लिए। अगर, क्योंकि अपन एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे
तो उसकी जो मसल है वो वास्ट होने लगेगी, और वो अगर अपन ये स्प्लिट निकालने के बाद तो वो अपने वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए अपन को एक्टिव एक्सरसाइज परफॉर्म करवानी पड़ेगी पेशेंट्स को। उसके बाद नेक्स्ट है डेली चेकिंग एंड एडजस्टमेंट इफ रिक्वायर्ड। अगर पेशेंट को रिक्वायर्ड है तो अपन उसको एडजस्ट करेंगे और उसकी डेली उसको चेक करते रहेंगे, ताकि पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट हो तो अपन उसको ठीक कर सके। रेगुलर प्रोबेबल एक्सरे मे बी टेकन टू इंश्योर गुड पोजिशन ऑफ द फ्रैक्चर। और अपन को चेक करना पड़ेगा एक्सरे करवा के कि जो फ्रैक्चर है वो सही अलाइनमेंट में तो है ना। तो इस सब बातों का अपन को ध्यान रखना पड़ता है। ख़त्म होता है अपने स्प्लिंट्स। अब अपन बात करेंगे ट्रैक्शन की। ट्रैक्शन की बात अपन करते आ रहे हैं। तो ट्रैक्शन में क्या था कि मान लो कोई एक ये एक बोन थी जिसका फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर होने के बाद ये डिसलोकेट हो गई। तो अपन को इसको सही अलाइनमेंट में लाने के लिए पहले इस दोनों का वो करना पड़ेगा, अपन को थोड़ा ट्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद अपन इसको वापस उसके अलाइनमेंट में लाएंगे। फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट हो गया, हीलिंग वगैरह होगी, फिर ये आगे के फेज है। अब तो इसमें क्या होगा, अपन ट्रैक्शन को यूज़ क्यों करते हैं, रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का रिडक्शन करने के लिए। तो इस जो अपन ने किया ना, इसको कहते हैं रिडक्शन। डिसलोकेशन, डिसलोकेशन को मेंटेन करने के लिए, एंड इसको मेंटेन करने के लिए देयर मेंटेनेंस। उसके बाद इमोबिलाइजेशन, द पेनफुल इन्फ्लेम्ड जॉइंट इमोबिलाइज करने के लिए पहले ट्रैक्शन दिया जाता है, उसको बाद उसको इमोबिलाइज करवाया जाता है। उसके बाद प्रिवेंट कॉन्ट्रेक्चर, कॉन्ट्रेक्चर से प्रिवेंट करने के लिए भी ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद काउंटर मसल्स पुल के लिए भी ट्रैक्शन अप्लाई करवाया जाता है फ्रैक्चर में। उसके बाद ये है कि जो ट्रैक्शन है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो ट्रैक्शन के टू टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड ट्रैक्शन एंड स्लाइडिंग ट्रैक्शन। तो फिक्स्ड ट्रैक्शन और स्लाइडिंग ट्रैक्शन क्या होता है, तो फिक्स्ड ट्रैक्शन होता है उसमें काउंटर ट्रैक्शन इज प्रोवाइडेड बाय पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसमें जो काउंटर ट्रैक्शन है वो बॉडी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन जो ये वाला जो ट्रैक्शन है, इसके अंदर द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट द काउंटर ट्रैक्शन। तो इसके अंदर जो बॉडी का जो वेट है वो काउंटर ट्रैक्शन की तरह वर्क करता है। तो अपन इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये है अपने फिक्स ट्रैक्शन का एग्जाम्पल, ये अपन ने पहले भी देखा था। ये है थ्रोम्बस, तो ये है अपना थ्रोम्बस स्प्लिंट। तो इसमें अपन ने क्या देखा था, जो थाई है वो यहाँ पर आती है, अंदर आती है, फिर यहाँ पर से अपन इसको इधर की तरफ ट्रैक्शन देते हैं और उधर से इसको ट्रैक्शन मिलता रहता है। तो ये से अलाइनमेंट में जाता है फ्रैक्चर और ये ट्रीट हो जाता है। लेकिन जो ये वाला ट्रैक्शन है, स्लाइडिंग ट्रैक्शन है, इसके अंदर इस तरह से ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें क्या है, जो ये बेड है इसको अपन ने टिल्ट कर दिया काउंटर ट्रैक्शन बाय ग्रेविटी प्लस बॉडी वेट। बॉडी वेट है यहाँ पे और जो ग्रेविटी है वो इधर की तरफ वर्क कर रही है, नीचे की तरफ। तो ये पेशेंट है, इसका लोअर लिम का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, जो वेट है उसको अप्लाई करेंगे। तो ये वेट जा रहा है पुली के थ्रू, ये यहाँ पर पुलिस लगी हुई है, तो ये इसका अलाइनमेंट है। तो इस तरह से अपन उसको ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये होता है स्लाइडिंग ट्रैक्शन। अब तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल। थ्रोम्बस स्प्लिंट फिक्स्ड ट्रैक्शन, तो थ्रोम्बस स्प्लिंट है जिसमें रिंग प्रेजेंट होती थी, अपन ने देखा था, वो एक फिक्स्ड ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अ रिंग ऑफ द स्प्लिंट कम्स टू लाइन अगेन गेन द इसियल ट्यूबरोसिटी टू प्रोवाइड काउंटर ट्रैक्शन। काउंटर ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है ट्यूबरोसिटी से। उसके बाद आता है ये वाला ट्रैक्शन, स्लाइडिंग ट्रैक्शन। ट्रैक्शन गिवन बाय अ पेल्विस फ्रैक्चर, पेल्विस फ्रैक्चर को ट्रैक्शन प्रोवाइड कराते हैं। वेट ऑफ द बॉडी एक्ट एज काउंटर ट्रैक्शन, जो कि अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया था पिक्चर में। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रैक्शन अप्लाइंग, कि जो इधर तो अपने देखा कि टाइप्स क्या है, तब ये देखना है कि अपन किस तरह से, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट से क्या अपन उस पर अप्लाई करके ट्रैक्शन दे सकते हैं। तो एक होता है स्किन ट्रैक्शन, एक होता है स्केलेटल ट्रैक्शन। तो स्किन अपन नाम से भी देख सकते हैं कि स्किन ट्रैक्शन के अंदर स्क्रीन इंक्लूड होगी और स्केलेटल के अंदर बोन इंक्लूड होगी। तो इस वाले ट्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे एक लगा देते हैं ल्यूकोप्लास्ट लगा देते हैं, जो कि मसल्स यहाँ की जो स्किन्स है वो वर्क करती है काउंटर
काउंटर ट्रैक्शन की तरह। तो यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है एडेसिव स्ट्रेप इज अप्लाई ऑन द स्किन एंड ट्रैक्शन अप्लाई। यहाँ पे जो ये स्ट्रेप्स है वो अप्लाई कर दिया, उसके बाद इसको ट्रैक्शन देंगे। फिर यहाँ पर जो है द ट्रैक्शन फोर्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द स्किन थ्रू द डीप फेसिया। तो जिसका जो ट्रैक्शन है वो स्किन के थ्रू डीप फेसिया तक जाएगा, इंट्रा मस्कुलरली स्ट्रेप्टा ऑफ द बोन। लेकिन जो स्केलेटल ट्रैक्शन है इसके अंदर ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है, इसके तुलना में इसमें कम फोर्स अप्लाई करेंगे, इसमें ज़्यादा ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ट्रैक्शन अप्लाई डायरेक्टली ऑन द बोन बाय द इंटरडेक्टिन के वायर और स्टेनमन पिन। तो इसमें क्या है ना, अपन ऐसा कुछ नहीं करते, इसके अंदर अपन एक वायर अंदर डालते, के वायर डालते हैं या स्टेनमन पिन डालते हैं बोन में से, और उसके बाद इसको ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो अपन इन दोनों में देखेंगे कि इनके दोनों के डिफरेंस क्या है। तो अब देखते हैं इनके डिफरेंस, स्किन ट्रैक्शन एंड स्केलेटल ट्रैक्शन। जो स्किन ट्रैक्शन होता है इसके अंदर अपन कम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसके अंदर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं। जो कम फोर्स अप्लाई किस पे करेंगे अपन, चिल्ड्रंस में कम फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन जो अडल्ट है उसके अंदर थोड़े बहुत ट्रैक्शन से तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसके अंदर अपन को ज़्यादा ट्रैक्शन देना पड़ेगा। और इसके अंदर वर्क करता है स्किन के थ्रू और इसके अंदर बोन के थ्रू। और कॉमन साइट कौन कौन सी होती है इनकी, जो स्किन ट्रैक्शन है वो अपन देते हैं बिलोनी, एंड जो स्केलेटल ट्रैक्शन अपन देते हैं अपर टीबिया पेन ट्रैक्शन। और इस वाले में अपन कम फोर्स अप्लाई करते हैं क्योंकि बच्चों में है, तो अपन कम फोर्स अप्लाई करेंगे 3 to 4 kg, और अडल्ट्स में अपन ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे अप टू 20 kg। और इसका ड्यूरेशन कितना होगा, ये बच्चों में कर रहे हो कम फोर्स के साथ कर रहे हो तो इसका ड्यूरेशन भी कम होगा, लेकिन जो अडल्ट्स है उसके अंदर ड्यूरेशन भी इसका ज़्यादा होगा। तो पहले अपन ने देखा था, अपन ने पहले जो स्प्लिंट्स जो यूज़ किए थे उसके अंदर भी देखा था कि अपन पेशेंट की केयर कैसे कर सकते हैं, और अपन इसमें भी देखेंगे ट्रैक्शन में तो अपन पेशेंट की केयर कैसे कर सकते हैं। ट्रैक्शन शुड बी अ कम्फर्टेबल एज पॉसिबल, अपन को ट्रैक्शन इस तरह से देखना है कि जो पेशेंट है वो कम्फर्टेबल हो। ट्रैक्शन वेट शुड नॉट बी टच द ग्राउंड, जो अपन जो ट्रैक्शन का जो वेट दे रहे हैं ना, तो अपन को ध्यान रखना है कि वो ग्राउंड तक टच ना हो, क्योंकि ग्राउंड तक टच करेगा वो वेट तो वेट नहीं लग पाएगा पूरा प्रॉपर। प्रॉपर पोजिशन ऑफ द फ्रैक्चर शुड बी इंश्योर्ड बाय द टेकिंग चेक एक्सरे रोप इन ट्रैक्शन। तो अपन जो पेशेंट की जो पोजिशन है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो अपन एक्सरे के थ्रू देखेंगे, जो फ्रैक्चर की कंडीशन देखेंगे, उसके बाद अपन पोजिशन प्रोवाइड करवाएंगे उस फ्रैक्चर को। उसके बाद अपन को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है पेशेंट के लिए, उसको एक्सरसाइज वगैरह परफॉर्म करवानी पड़ती है ताकि उसकी मसल वास्टिंग ना हो। उसके बाद जनरल एप्लीकेशंस के जनरल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि पेशेंट एक ही पोजीशन में रहेगा तो उसको बेड सोर्स होने के चांसेस रहेंगे, उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं UTI। उसके बाद उसको चेस्ट कंजक्शन भी हो सकता है, उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो अपन को इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है इस कंडीशन में। उसके बाद आता है डाइवर्जन थेरेपी। डाइवर्जन थेरेपी का मतलब है अगर पेशेंट एक ही कंडीशन में रहेगा तो मतलब वो काफ़ी डिप्रेस भी हो सकते हैं, तो अपन उसका ध्यान और जगह करने के लिए उसको उसको वो सब काम करवाएंगे जो उसको अच्छा लगता है। जैसे कि उसको गेम के सब खेलना पसंद है तो उसको अपन फ़ोन दे देंगे उसके अंदर वो गेम खेल रहा है, या फिर ऐसा कोई गेम जिसके अंदर उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़ रहा है, या फिर अपन उसको टेलीविज़न देखने के लिए बोल देंगे ताकि उसका इंटरटेनमेंट होता रहे और उसका ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाए उसके फ्रैक्चर के ऊपर, उसकी कंडीशन के ऊपर। अपन उसको रीडिंग करने के लिए दे सकते हैं, तो ये सब होता है उसकी केयर के अंदर आता है ट्रैक्शन की। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है प्रोस्थेसिस, तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे जयपुर फुट के बारे में। तो ये एक डिवाइस होता है जिसको अपन कहते हैं प्रोस्थेटिक डिवाइस, डिवाइस टू अप्लाई अ पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये डिवाइस है उसको रिप्लेस अ पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का जो पार्ट है उससे अपन रिप्लेस करते हैं किसके थ्रू, जयपुर फुट के थ्रू। यूज्ड इन पेशेंट विद बिलो नी एम्पुटेशन देन रिसेम्बल अ नॉर्मल फुट। यहाँ पे बात आती है अब एम्पुटेशन की। एम्पुटेशन क्या होता है, अगर मान लो कोई पेशेंट है उसका ये फुट है और उसको यहाँ पर कुछ इंजरी हो गई है, या फिर उसका फ्रैक्चर है वो नेक्रोस हो गया, या ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है, या फिर किसी भी कंडीशन किसी भी कारण से उसका फुट अपन को काटना पड़ा, तो इस पार्ट को काट कर निकालना ही इसको कहते हैं अपन एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का एक अलग से एक चैप्टर है, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो एम्पुटेशन हो गया, मान लो इसका पार्ट निकल गया, तो अपन ये फुट इस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, तो यही होता है।
और प्रोस्थेटिक डिवाइस। तो ये बना किसका होता है, ये रबर का बना होता है। रबर यूज टू मेक इट एस पोलीयूरेथीन डेट मेक इट इन एक्सपेंसिव एंड वाटर असिस्टेंट। तो इस कारण, इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण अपन ये फुट यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह से फुट बना हुआ होता है, तो इसको अपन कहते हैं जयपुर फुट। तो ये हो गए प्रोस्थेसिस। तो अपन ने आज डिस्कस किया स्प्लिन स्ट्रेक्शन एंड प्रोस्थेसिस। तो मतलब इसे कोई ज़्यादा हार्ड एंड ऐसे कोई हार्ड टॉपिक्स नहीं है, इसे कहानी की तरह याद रखो तो याद हो जाते हैं। लेकिन ये ऑर्थो में ऐसे टॉपिक्स है जो मतलब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू सो मच।